हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, मोतीलाल ओसवाल की ओर से सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट आउट हो चुका है। आज के इस वीडियो में कवर करेंगे अनऑडिटेड रिजल्ट आउट हो चुका है क्वार्टर एंडेड और फिनेंशियल ईयर एंडेड का, जो कि हम लोग आज इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे गाइस कंपनी का स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट आउट हो चुका है क्वार्टर और हाफ ईयर एंडेड का, जो कि हम लोग आज इस वीडियो में कवर करेंगे। और हम लोग कंसोलिडेटेड रिजल्ट को ही कवर करेंगे। नंबर्स की बात करें लैक्स में दिए गए हैं। इस बार का कंपनी इनकम जनरेट किया है 2854.9 करोड़ का, लास्ट क्वार्टर में 2317.6 करोड़ का, लास्ट ईयर में 1655.4 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस 1392 करोड़ का, लास्ट क्वार्टर में 1259 करोड़ का और लास्ट ईयर में 997.9 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। एक्सपेंसेस भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1453.6 करोड़ का, लास्ट क्वार्टर में 1058.6 करोड़ का, लास्ट ईयर में 657.5 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट, यहाँ पर टैक्स 331.7 करोड़ का पे करना पड़ा, इसके बाद नेट प्रॉफिट है 1121.8 करोड़ का, लास्ट क्वार्टर में 883.5 करोड़ का, लास्ट ईयर में 533 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम ईपीएस की बात करें तो कंपनी का ईपीएस है 18.44 रुपीज का, लास्ट क्वार्टर में 14.58 रुपीज का, लास्ट ईयर में 8.95 रुपीज का ईपीएस है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल गाइस कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो या फिर ईयर ऑन ईयर इनकम प्रॉफिट दोनों इंक्रीज किया है। सेगमेंट वाइज वेल्थ मैनेजमेंट जिसमें एक्सटर्नल रेवेन्यू इंटरेस्ट इनकम, कैपिटल मार्केट्स जिसमें एक्सटर्नल रेवेन्यू इंटरनल एसेट एंड प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट, होम फिनांस, ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट, इन सभी को ऐड करके रेवेन्यू हुआ है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो या फिर ईयर ऑन ईयर इनकम प्रॉफिट दोनों इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल गाइस कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट पेश किया है। शेयर की बात करें 939.7 रुपीज पर शेयर ट्रेड कर रहा है, 7.7% का प्रॉफिट दिया है। 5 डे में 0.8% का लॉस है, 1 मंथ में 23% का प्रॉफिट है। 6 मंथ्स की अगर बात करें तो 50.6% का प्रॉफिट है। इस कंपनी ने बहुत बड़ा सपोर्ट लिया था 25 अक्टूबर को, लेकिन उसके बाद कंपनी बहुत अच्छी ग्रोथ किया, रिवर्स किया है। अब देखना ये कि कंपनी कहाँ तक जाता है। अगर आप इसमें डिसीजन लेना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके डिसीजन ले सकते हैं। तो हम लोग वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।